मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि इंदौर में मेट्रो के कार्य में बजट की व्यवस्था नहीं करने से मेट्रो का निर्माण कार्य सालों पिछड़ गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार मंत्री सिर्फ पिल्लर और ट्रैक स्लेब के कुछ हिस्सों को बनाकर दावा कर रहे हैं कि सितंबर 2023 में इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन करेगा। सितंबर 2023 में शिवराज सरकार खिलौने वाली मेट्रो ट्रेन बनाकर नेहरू पार्क में स्थित खिलौना ट्रेन के ट्रैक पर इंदौर की जनता को खिलौना ट्रेन का ट्रायल रन दिखा करके बहला फुसला कर वोट हड़पने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन असल में इंदौर की जनता को मेट्रो संपूर्ण निर्धारित रूट से सन 2032 तक भी शुरू नहीं हो पाएगी। देखिए, मेट्रो ट्रेन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जब मेट्रो ट्रेन का यहाँ भूमि पूजन हुआ था 2019 में, कमलनाथ सरकार थी, तो उस समय ये टारगेट था कि 2023 तक मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी इंदौर में, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों की वजह से सरकार चली गई। वो जो मेट्रो का सपना है वो इंदौर वासियों के लिए अधूरा रह गया। शिवराज सरकार आने के बाद मेट्रो का जो बजट था उसको घटा दिया गया। जो इस वर्ष बजट दिया गया है वो मात्र 700 करोड़ रुपए इंदौर और भोपाल को दिया गया है, जिसमें इंदौर के साथ सौतेला व्यवहार कर आधा बजट भी नहीं दिया गया है। इसके पिछले वर्ष में 245 करोड़ का बजट दिया गया था। अब भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सितंबर में मेट्रो का ट्रायल रन इंदौर में हो जाएगा। कल मैंने टेक्निकल लोगों के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स और कुछ अन्य रेलवे के जो अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ पूरे ट्रैक का दौरा किया। उन सबका ये कहना है कि सितंबर 2023 तो बहुत दूर की बात है, अगले वर्ष सितंबर 2024 तक भी मेट्रो का काम, जो प्रायोरिटी कॉरिडोर 5.5 किलोमीटर में ट्रायल रन की बात है, वो नहीं हो सकता है। अभी मात्र उस प्रायोरिटी कॉरिडोर में 42% कार्य हुआ है, सिर्फ बेसिक काम हुआ है, स्लैब डलिए, पिलर उठे हैं, और अभी से महिमा मंडन ऐसा किया जा रहा है जैसे मेट्रो चलने लगेगी। ये आज सारी बात जनता के समक्ष जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2023 का चुनाव है। क्या फर्क है शिवराज सरकार और कमलनाथ सरकार में, ये जनता को पता होना चाहिए। ये जरूर है कि भूपेंद्र सिंह नेहरू पार्क में इस तरह की जो ट्रेन मैंने प्रदर्शित की है, ये खिलौना ट्रेन में लोगों को दिखाएंगे और बिठाएंगे सितंबर 2023 में कि ये हमने ट्रेन बनाई है, या फिर कुछ डब्बे उठा के उस ट्रैक पे 2-4 पटरी डालकर रख देंगे कि हमने ट्रैक पर ट्रेन खड़ी कर दी है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि इंदौर जैसे शहर में जो मेट्रो का प्रोजेक्ट, स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि 2023 जनवरी में हम ट्रायल रन कर देंगे, और आज जनवरी निकल चुका है, अब सितंबर की बात है, सितंबर भी निकल जाएगा, 2024 भी निकल जाएगा, 25 भी निकल जाएगा, और यही हालत रहे तो पूरा मेट्रो ट्रैक जो कंप्लीट 31.55 किलोमीटर का है वो लगभग 2032 तक भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। जो बजट प्रति वर्ष देना है मेट्रो ट्रेन के काम के लिए, वो बजट ही नहीं दिया जा रहा है, और बात कर रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन इंदौर में चल जाएगी, उसके द्वारा वोट हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये धोखा दिया जा रहा है। मैंने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करा भूपेंद्र सिंह जी के लिए कि सितंबर में अगर आप ट्रायल रन दिखा देंगे तो 1 लाख रुपए देकर आप देखिए। मैंने आपको बताया कि जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसमें तो 42% ही काम हुआ है, अब बाकी काम आप बोल रहे हैं कि 60% या 58% वो 4 महीने में कर लेंगे, तो कुछ जादू नहीं है। ये काम की तैयारी लगभग 1.5 साल पहले शुरू होती है। अभी तो ना तो कोई वहाँ इलेक्ट्रिक का जो उनका पावर सप्लाई के ग्रिड बनना है उसके तो अते पते नहीं है, मेट्रो ट्रेन स्टेशन उसके पते नहीं है, अब कैसे जाएंगे आप मेट्रो ट्रेन पे, क्या फायर ब्रिगेड की सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे ट्रायल रन के लिए? तो ये हास्यास्पद बातें हैं, सिर्फ एक प्रवक्ता बन के भाजपा के बोलना और प्रचारित करना, ये कई रेलवे अधिकारी या मेट्रो के जो अधिकारी उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत में 0 है और कुछ भी नहीं है। इंदौर में मेट्रो 2032 तक पूर्ण रूप से चलने की स्थिति में इस सरकार में तो नहीं है। अगर कमलनाथ सरकार वापस आ जाती है चुनाव के बाद तो निश्चित तौर पर एक समय सीमा में इंदौर को मेट्रो का लाभ मिलेगा और मेट्रो चलती हुई दिखेगी।